out the walk, light it up to the beat. Come on, Jalva, give it to me, Jalva, give it to me, Jalva. Gorgeous with attitude and every latitude. Miss Hot Booty, come on, baby, do your duty. What? जिस्मों का है ये जलवा, किस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी दे ये जलवा, मकसद भी दे ये जलवा. Tell 'em like it is, I can't hear. दिलकश लगे ये जलवा, महकश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा. नोएडा की फिल्म सिटी में स्थित मार्वा स्टूडियो में 3 दिवसीय 14वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के तीसरे सत्र की शुरुआत गणेश वंदना के साथ दीप प्रज्वलित करके की गई. इस कार्यक्रम में फैशन शो का अद्भुत प्रदर्शन किया गया, जिससे सभी अतिथि और स्टूडेंट्स प्रभावित हुए. फैशन शो में बहुत सारे सुंदर और अद्भुत कलेक्शन पेश किए गए और रैंप पर फैशन के जलवा से ये कार्यक्रम बेहद ही अद्भुत हो गया. साथ ही बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा को लेकर इस कार्यक्रम में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जिससे स्टूडेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिला. नोएडा फिल्म सिटी के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने इस फैशन शो की तारीफ की और कहा कि इस फैशन शो में फैशन का अद्भुत प्रदर्शन किया गया है, जिससे ये समा बंद गया है. सक्सेसफुल क्रिएटिव पर्सन, रिमेंबर दैट. आई एम वेरी हैप्पी द फैशन शो, इट हैज एडेड अ लॉट ऑफ कलर्स टुडे टू दिस इवनिंग. यस्टरडे वी हैड अ वंडरफुल बैंड व्हिच एडेड सो मच ऑफ एनर्जी टू ऑल ऑफ यू. द बेस्ट पार्ट इज दैट वी हैव यशा राइट हियर एंड शी इज आल्सो अ वंडरफुल सिंगर. सो ask her to actually not only speak but sing some. Thank you very much. Actress Zeesha Nancy ने इस खास अवसर पर बेहतरीन गाना भी सुनाया. Zeesha Nancy ने सुंदर गायकी से समा बांध दिया. I feel that I am here and you're there. I just feel that we're friends. So tell me, okay, tell me a song. Come on, quickly. Okay, I'm not from India, but I'll sing that. Chura liya hai tumne jo humko, nazar nahi chura sun, badal ke meri tum zindagani, kahin badal na jana sun. इस कार्यक्रम में चार्जडी अफेयर्स एम्बेसी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ सर्बिया सिनिसा पाविक, एक्टर इनामुल हक, डायरेक्टर राजीव चौधरी, एक्ट्रेस Zeesha Nancy, डायरेक्टर आर्यन सिंह शामिल रहे. इस कार्यक्रम में फैशन का अद्भुत प्रदर्शन ने सबका मन मोह लिया और आत्मविश्वासी लड़कियों ने रैंप वॉक करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया. कार्यक्रम के अंत में मोमेंटो देकर अतिथियों का सम्मान किया गया. बहुत अच्छा है. स्टूडेंट्स जो हैं, जो उनकी उनकी जो एक एनर्जी दिख रही है वो बहुत अच्छी एनर्जी दिख रही है. मैं यहाँ पे इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये सांस्कृतिक और फिल्म से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है और आज आप देख रहे होंगे कि मैं नॉर्मल परिवेश से थोड़ा सा हट के परिवेश में ही हूँ, जिससे बच्चे मुझसे अपने आप को जोड़ सकें. मेरा माध्यम यहाँ पर आने का यही है कि मैं जो युवा शक्ति है उनको आकर्षित कर उनसे उनके विचारों के अनुरूप जो भारत को वो देखते हैं उस प्रकार से जान सकूँ, वो कैसी कला और संस्कृति को समझना चाहते हैं ये समझ सकूं, और कला और संस्कृति में जो इतने समय में गैप आया है हिस्ट्री से लेकर के जो इतिहास से लेकर के उसको थोड़ा सम्यक रूप से उसको प्रस्तुत कर सकूं. इंडियन सिनेमा पूरे वर्ल्ड में
बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को एक साथ जोड़ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि पूरे दुनिया में इंडियन सिनेमा जो है, भारतीय सिनेमा है, उसकी बहुत बड़ी छाप है। यहाँ तक चाइनीज लोग भी हिंदी गाने गाते देखे जाते हैं। मैं कई जगह बहुत विदेशों में ट्रैवल कर चुकी हूँ और मैंने देखा है कि उनको चाहे हिंदी आए या ना आए, लेकिन वो हिंदी गाने ज़रूर गाते हैं। तो हिंदी सिनेमा को अब एक थोड़ा सा ये एक स्टेप लेकर आगे आना चाहिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय इशू हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय विषय हैं, इंसानों को लेकर, प्रकृति को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, इन सारे इश्यूज़ पे भी काम करना चाहिए। मनस्पि के अपने अपने ही देश के बारे में जो कल्चर को हटा करके और छुपा करके वो अब तक दिखाते आए हैं, वो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारा कल्चर बहुत बहुत रिच है, किसी भी दूसरे कंट्री से बहुत ज़्यादा रिच है, और उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए जिससे कि लोग उसे सीखें। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her.